क्या भैया गाड़ी आप बताइए, आप बताइए वो क्यों बताइए, आप करेंगे तो कौन करेगा? जब ये बताइए जब आप करेंगे तो कौन करेगा? वो हम आपके जब आप ही करोगे कौन करेगा बताइए? अभी हो तो गए वो हम आपके में सहमत है ना, स्टाफ के लोग करेंगे तो सब तो करेंगे। एम्बुलेंस हो या स्ट्रेचर हो या फिर व्हीलचेयर की मदद से मरीजों को अस्पताल में ले जाते आपने देखा और सुना जरूर होगा, लेकिन एमपी के सतना से एक ऐसा वीडियो सामने आया जहां पर मरीज को आनन फानन में बाइक पर बिठाकर अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद मरीज को एडमिट कर लिया जाता है और फौरन उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। अब एक बार आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिए। शनिवार यानी 10 फरवरी की देर शाम सतना जिला अस्पताल में हंगामा मच गया जब अस्पताल का ही एक स्टाफ मेंबर अपने मरीज को बाइक में बिठाकर सीधे इमरजेंसी वार्ड में घुस गया। चर्चा में आया आउटसोर्स कर्मी जिला अस्पताल में मरीजों का पर्चा बनाने वाला बताया जा रहा है। टिकुरिया टोला के रहने वाले दीपक गुप्ता अपने दादा मोतीलाल गुप्ता की तबीयत खराब होने पर उन्हें सीधे बाइक में लेकर इमरजेंसी वार्ड के अंदर घुस गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वैसे तो जिला अस्पताल में स्ट्रेचर और अन्य सुविधाएं मौजूद है, लेकिन मरीजों का पर्चा बनाने वाले आउटसोर्स कर्मचारी की ये करतूत चर्चा में है। हमारे जिला चिकित्सालय के गार्ड ने मुझे बताया कि ये कोई हमारे डिपार्टमेंट का ही व्यक्ति जो ओपीडी पर्ची काटता है, तो वो अपनी मोटरसाइकिल लेके कैजुअल्टी डिपार्टमेंट तक चला गया और बाद में पता चला कि वो किसी अर्जेंसी के वश और घबराहट में अपने बाबा को या किसी वृद्ध व्यक्ति को बिठाए हुए था पीछे, तो ऐसे में वो चला गया और ये गलती है। अभी आज वर्किंग डे नहीं है, आज मैं अभी राउंड में गया था तो मिला नहीं है वो व्यक्ति मुझे, कल मैं उसको जवाब तलब करता हूँ और वरिष्ठ कार्यालय को सूचित करता हूँ कि क्या कार्रवाई की जाएगी। अब उनके वो चूँकि आउटसोर्स कर्मचारी है तो देखेंगे कि भाई उनके उनके जो एम्प्लॉयर हैं उनको जवाब उनसे जवाब तलब करेंगे, कार्यवाही का काम वरिष्ठ कार्यालय करेगा, मतलब सीएस साहब को करना होगी। और इसका मरीज कितना सीरियस था कि जिससे वो ऐसी घटना को अंजाम दिया? वो बहुत हड़बड़ी में, मुझे प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि बहुत हड़बड़ी में था वो व्यक्ति, इसलिए चला गया। उसने इंटेंशनली, मुझे जहां तक लगता है कि इंटेंशनली नहीं किया होगा, लेकिन हड़बड़ी में वो चला गया। पर्याप्त मात्रा में, जैसे लोग कहते हैं कि स्ट्रेचर नहीं मौजूद हैं या व्हीलचेयर्स नहीं मौजूद हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी समय जिला चिकित्सालय में 8 स्ट्रेचर बाहर निकले हुए होते हैं और 6 व्हीलचेयर, वर्किंग व्हीलचेयर इस समय अवेलेबल हैं। किसी भी समय कोई भी यदि फिजिकली वेरीफाई करना चाहता है तो कर सकता है। जैसे वो बाइक लेके अंदर गया, कोई अप्रिय घटना हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, संभावना है इस चीज़ की, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता जी। मैं इस ये पूरी जानकारी लेके उसको कल ही तलब करूंगा, कल वर्किंग डे है, कल मेरे सीनियर अफसर वहाँ रहेंगे तो मैं इस पूरी रिपोर्ट बना के और जो वहाँ चश्मदीद गवाह थे, जो थे व्यक्ति, उनको मैं लूंगा और अपने कार्य मतलब सीएस साहब के सामने प्रस्तुत करूंगा कि ये ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बता दें कि इस पूरे मामले में जिला अस्पताल प्रबंधन ने संज्ञान लिया है और अब कार्रवाई की बात की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।